चलो दोस्तों, आज हम देसी मुर्गा यानी कि गांव में मुर्गा कैसे बनाते हैं वो हम दिखाएंगे। देखो, मुर्गा काट लिया हमने। काटने के बाद वो अच्छे से साफ़ करें। देखो, इसी तरह आप गर्म पानी डाल के उसको साफ़ करें। उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। देखो दोस्तों, फुल कटिंग देखनी हो तो मैंने वीडियो डाला है, फुल कटिंग का वीडियो मैंने एक डाला है, वो देख सकते हो। देखो आप इसी तरह उसका कटिंग करिए। देखो कटिंग हो गई, इसी तरह आप उसका कटिंग करिए। वीडियो देखना हो तो चैनल में सब्सक्राइब करके वीडियो आप वो देख सकते हो कटिंग का। देखो, हमने कटिंग करने के बाद हो उसको धोना है। देखो इसी तरह उसको अच्छे से धोए। देखो अच्छे से उसको धो ले। देखो इसी तरह उसको धो के उसको निकाले। देखो धोने के बाद उसको निकाल, देखो धो लिया है। अब हम मसाला बनाएंगे। देखो, तेज पत्ता, जीरा, लवंग और काली मिर्च अच्छे से भून ले और उसमें दालचीनी भी डाले। उसके बाद लहसुन, अदरक, हरा धनिया और प्याज भून के उसमें डाले और इन्हीं सब का पेस्ट बनाएंगे। आप इनको मिक्सर में भी डालकर पेस्ट बना सकते हो। आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हो। देखो पेस्ट हो गई। उसके बाद कढ़ाई में 3 या 4 चम्मच तेल लेना। उसके बाद दालचीनी, काली मिर्च और उसमें तेज पत्ता डालकर उसमें जो हमने मसाला बनाया है वो डालकर अच्छे से 2 या 3 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। देखो 2 या 3 मिनट अच्छे से आप उसको भून लीजिए। भूनने के बाद उसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच मटन मसाला उसमें डालकर अच्छे से वो भी 1 मिनट तक अच्छे से भून ले। भूनने के बाद हम वो मटन उसमें, मुर्गे का मटन उसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो इसी तरह उसमें अच्छे से मिक्स करिए, उसी में फ्राई करिए। उसमें 5 या 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करिए। देखो अच्छे से फ्राई करिए। 2 या 3 मिनट होने के बाद उसमें थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। देखो अपने स्वाद अनुसार उसमें नमक डालिए और वो भी उसमें मिक्स करिए। देखो आप ऐसे ही बना सकते हो। आपके तरीके का ये तरीका बहुत ही अच्छा है। इसमें एक बार ज़रूर ट्राई करिए। उसके बाद हरा धनिया उसमें डालिए। हरा धनिया डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स करिए और उसमें पानी नहीं डालना है। इसमें ही 5 या 6 मिनट तक अच्छे से उसमें ढक्कन लगा के पकाइए। देखो ढक्कन लगाया। देखो 5 या 6 मिनट हो गए। देखो उसमें हमने पानी नहीं डाला है। देखो उसमें पानी थोड़ा आ गया है क्योंकि ये चिकन का थोड़ा पानी है। देखो देखो दोस्तों, उसके बाद आपको गीला रखना है या सूखा रखना है आपके हिसाब से। देखो मेरे को गीला रखना है, इसलिए मैं 2 या 2.5 गिलास उसमें पानी डालूँगा। देखो 2 या 2.5 गिलास आप पानी डालें। देखो मैंने 2.5 गिलास पानी डाला है और उसके बाद पानी ऐड किया है, इसलिए थोड़ा सा नमक भी हम ऐड करेंगे उसमें और अच्छे से उसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको 5 या 6 मिनट तक ही उसको पकाएंगे क्योंकि हमने पहले से उसको पकाया है। देखो 5 या 6 मिनट पकाइए। पकाने के बाद देखो हमारा चिकन बन गया। देखो दोस्तों, आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देखो हमारा चिकन हो गया है तैयार।